अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे दीनियात फिफ्थ क्लास के मालूमाती रोज़ा के सवाल जवाब। सवाल: रोज़े के फ़र्ज़ होने के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फ़रमाया है? जवाब: अल्लाह का फरमान है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओगे। सवाल: रमज़ानुल मुबारक के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ है? सवाल जवाब: हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। सवाल: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने की क्या फजीलत बयान फरमाई है? जवाब: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी का खाना बरकत का ज़रिया है। अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर सलामती भेजते हैं। सवाल: तीन बातें ऐसी बताइए जिनसे ना रोज़ा टूटता है और ना ही मकरूह होता है। जवाब: सुरमा लगाना, खुशबू सूंघना, खुद ब खुद ये हो जाना। सवाल: तीन बातें ऐसी बताइए जिनसे रोज़ा टूटता तो नहीं लेकिन मकरूह हो जाता है। सवाल: रोज़े की हालत में टूथपेस्ट से दांत साफ़ करना, लड़ाई झगड़ा करना, गीबत करना। सवाल: तीन बातें ऐसी बताएं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ कज़ा लाजमी आती है। जवाब: रोज़ा याद होने की हालत में बद एहतियाती से पानी हलक में उतर जाना, दूसरा वक्त का पता ना होने की वजह से सुबह सादिक के बाद सहरी खा लेना, वक्त का पता ना होने की वजह से सूरज डूबने से कब्ल इफ्तार कर लेना। इन सवाल जवाब को नोटबुक में नोट कीजिए और लर्न कीजिए। ओके।